मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी भी योग्य होती है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें, यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक कर्ता अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विवेश में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का उचित प्रयास होता है, कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे। और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा, कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून के अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ अराजकता को बढ़ावा देगा।